निंजा बाजी है, एमी विर्क है, बहुत सारे काम है, पूछो मत, नींद नहीं आ रही। मतलब मैंने बोला ही नहीं कुछ। अपने घरों में खुश रहें, छोटी सोच है तुम्हारी। नाइस लिरिक्स। घर आती फिर बता। लव यू चीकू। मेरे घर आए मेहमान आ रहे हैं। नमस्कार गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और आज का व्लॉग बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार होने वाला है। तो आज मैं जाने वाला हूँ चंडीगढ़ और मेरे साथ होंगे जतिन भाई, गोलू और मैं पाल घर पे हैं। तो आज हम शायद आपको मिलवाने वाले हैं बहुत ही बड़े बड़े सेलिब्रिटी से। सोनू पाजी हैं उसमें, सोनू सूद पाजी, निंजा पाजी हैं, एमी विर्क हैं और बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं जिनसे आज हम मिलने वाले हैं। और उनका एक टूर्नामेंट चल रहा है, आपको पता है सेलिब्रिटी लीग चल रही है, तो उसके लिए ही मुझे वहाँ जाना है। और उसके बाद मुझे यहाँ से जाना है जयपुर, जहाँ पर बड़ी लीग होने वाली है, मतलब कि जो उनका जयपुर की सबसे बड़ी लीग होने वाली है। तो बस वेट एंड वॉच, अभी जाके थाई का वर्कआउट करते हैं मज़ेदार वाला, उसके बाद निकलते हैं चंडीगढ़। और उससे आधे घंटे पहले जाना मुझे दांत में अपना जो ट्रीटमेंट था फिलिंग कराने, बहुत सारे काम है, पूछो मत, नींद नहीं आ रही। और थैंक यू सो मच, कल वाले गाने को बहुत ज़्यादा प्यार दिया, और अब तक सबसे ज़्यादा जो प्यार मिला है वो इस गाने को मिला है। गाना ट्रेंडिंग नंबर 1 में आपने खोला, तो दिल से थैंक यू सो मच, आप इतना प्यार करते हो, ऐसे ही प्यार करते रहो, लव यू। तो कल भी हम इवेंट में गए थे और अभी भी इवेंट में जाना, और बहुत ज़्यादा थके हुए हैं, पर वर्कआउट मिस नहीं कर रहे। तौलिया ची जान है, मार लेंगे। तो गाइस पहुंच गए घर और ले रहे हैं डाइट। और अभी देखो चीकू ने क्या हाल करे घर में, ना सारे नोट ही पापा आपने बोला थे। तो ये है चीकू बैंक ऑफ इंडिया के नोट, आपको पता ही है चूरन वाले नोट है। तो चिल्ड्रन बैंक ऑफ इंडिया। हाँ चिल्ड्रन बैंक ऑफ इंडिया। हाँ चीकू ले, ऐसे फाड़ते नहीं बेटा, असली नोट है नकली। तो गाइस एक बार क्या हुआ ना, चीकू ना 20 का नोट फाड़ रहा था, मैं बोला असली फाड़ मत, तो उसने ना 20 का नोट फाड़ दिया। तो उस दिन इसको इतने चाटे पड़े, 200 का था। उसको लगा नकली नोट है क्योंकि इसके उस 200 के नकली नोट की गड्डी थी। हाँ 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 बोलो बोलो। नकली क्या, उसी दिन नहीं लेके आया था कि मेरा नकली नोट है ये। अच्छा उस दिन नहीं लेके आया था, तेरे को पता नहीं लगा असली है नकली है ना। तो चीकू ने कहा 2-3 चाटे ऐसे खाए मुझसे, अब मैं इसको मना कर रहा हूँ असली नोट है फाड़ मत चीकू फाड़ मत, फिर भी ना इसने हवाबाजी में फाड़ दिया। फिर पाल क्या हुआ, फिर आपने जो दुलाई की दो चाटे दिए। हाँ बेटा पापा नकली नोट है, नकली है ना ये फालतू का नोट ले देखो। हाँ। यहाँ से 500 रुपए का है। हाँ। यहाँ से 1000 का है। मैं चीकू दिखाना, तो गाइस चीकू इतना दिमाग वाला कह रही है, यहाँ शाही है ना जो 500 नोट की लगी हुई है, क्योंकि ना उन्होंने ना वो सिकंजा चेंज नहीं किया हुआ चीकू। तो गाइस जब से मैंने टूर्नामेंट लीग में जाने की तैयारी की है ना, उसी दिन से चीकू ने, भैया देख लो ग्लव्स भी पहन लिए, चीकू का बैट दिखाओ भैया, यह चीकू का बैट। पापा वो री बॉल। तो जी सीसीएल से आया, पंजाब के शेर की टीम से, वहाँ पे पूरा टायर्ड हो चुका था, तो मैं तो खाने के लिए बोला, खाना हाजिर हो चुका है। तो बहुत ज्यादा थक गया गाइस, बस हालत खराब हो गई है। बस अभी नंबर 1 ट्रेंडिंग का केक काटेंगे सबके साथ, लव यू सो मच, गाना नंबर 1 ट्रेंडिंग में चल रहा है। जतिन भाई पहले कहा था ना क्या के मेरे भाई ने क्या के बोला था मुझे, एक नंबर पे आएगा और एक नंबर पे आएगा। तो गाइस फाइनली आ गया धमाकेदार केक, और सब लोग देख रहे इंतजार कर रहे मुंह खोल के कब इनको केक मिलेगा। तो वीन पाजी ने गाना लिखा था ये वाला, नए मेहमान हमारे भाई हैं, सिंगर है बहुत ही बढ़िया। और जतिन भाजी शोभी का, शोभी रास्ते में आ रहा है वो, केपी और केपी भी आ रहा है, उनको भी इंट्रोड्यूस करते हैं। शोभी ने गाया, केपी ने म्यूजिक बनाया, वीन आजा ने लिखा है और क्रिएट किया है अरमान मलिक ने दिमाग से, और एक्ट्रेस सी कृतिका पाल मलिक, भाभी भी थी फीचरिंग करी हमने, फीचरिंग भाभी भी थी। अच्छा भाभी कह रही फीचरिंग मैंने भी करी है। आप मेन थे ना, मैं फीचरिंग में थी, लक्ष्यवाद हमारी किचन से मैं भी थी। पायल वहाँ पे ना मेरे से क्वेश्चन पूछा गया कि तुम दोनों में से ज्यादा लड़ाकू कौन है, मैं तेरा नाम नहीं लिया, मतलब मैंने बोला ही नहीं कुछ, फेवर लेके तो देखती फिर बताती तुझे, घर तो आना ही था। ये नहीं बोल रही कि तूने नाम नहीं लिया, बोल देती मेरे से हो जाती कभी कभी गलती, मैं सोच ही रही थी वहाँ बोल ही दू की लड़ाकी है, मैं क्या चल अच्छा है, तब बेइज्जती होती घर, तू घर आती फिर बताती। लीजिए पहला कमेंट है रिया साहू के नाम से, और वो कमेंट करते हैं वेरी नाइस सॉन्ग, बहुत प्यारी वॉइस। हाय हाय तो गाइस देखो आपने आवाज तो सुनी होगी, ये शोभी भाई की आवाज है, और आज हम सारे कमेंट इनकी आवाज में सुनाएंगे आपको, तो प्लीज बने रहें। दूसरा कमेंट पढ़ते हैं किसने किया। तो गाइस अगला कमेंट है नवलप्रीत कौर। हाँ जी, वो क्या कमेंट लिखते हैं मैं आपको बता रहा हूँ, कांग्रेचुलेशन गाइस अमेजिंग वॉइस। अगेन कमेंट, सेम कमेंट, सो इमोशनल सॉन्ग, लव फ्रॉम यूएसए। क्या बात है, क्या बात है, यूएसए से प्यार।
और ये ना जितने लोग है ना सारे इस आदमी कमेंट कर रहे हैं अभी नाच रहा था ये आदमी अभी नाच रहा था, मतलब हमारा तो रोल ही नहीं है, हमने गाने मैं जिसके करके नाच रहा था ना वो बाकी बिहाइंड कैमरा। अच्छा जो बंदा कैमरा मुझसे कैमरा चलवाते हैं जितने भाई क्या बोल रहे हैं, मैं हैरान हूं ना। मेन 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 बंदे भाई। चलो भैया अगला कमेंट है, नॉमिनीज है तो अगला कमेंट है जारा खान। हाँ। कृतिका के ज्यादा शॉर्ट हैं और पायल दी के बहुत कम हैं, ये गलत है। हाँ। बट दोनों के बराबर फोकस करना चाहिए था। एक बात बताओ, पायल के दो हैं, गोलू का एक भी है, हमने कुछ कहा है? तो भैया प्लीज ना पार्शियलिटी मत किया करो, चीजें हैं। कई बार क्या होता है ना, आपको नहीं पता, हम जो टेक लेते हैं ना कई बार क्या ना आंख बंद होती है, वो चीजें ब्लर हो जाती हैं। शूटिंग के साथ साथ हम क्या कर रहे थे, अब फंक्शन के साथ हम शूटिंग भी कर रहे थे, जो हमें मजेदार लगे वो हमने लगा दिए। तो पता है ना ये गोलू है कृतिका, तो मेरे लिए दोनों बराबर है। तो प्लीज ना ये झगड़े मत करवाया करो घरों में, अपने घरों में खुश रहें और मस्त रहें। मैं एक बात जानता हूं, 6000 कमेंट में से 2-3 लोग ऐसे होते हैं जिनकी बहुत ही छोटी सोच होती है, जैसे कि अभी वाला कमेंट था कि कृतिका का ज्यादा शॉर्ट है, पायल की कम शॉर्ट है। तो आप ये क्यों नहीं समझते कि दोनों एक ही घर की हैं? आपने ये नहीं बोला कि पायल का तो अभी 2 बच्चे हो ना, कृतिका के साथ 1 क्यों किया आपने? यार मेरे हाथ में थोड़ी है, टेक में भी ऐसा ही होता है कई बार ना चीजें ब्लर हो जाती हैं, वो शूटिंग भी कर रही है, वो इंजॉय भी कर रहे हैं और वो प्रेगनेंट भी, तो हम उन चीजों को बार बार रिटेक नहीं करवा सकते। मैंने रिटेक नहीं दिए, मेरा भी यही था कि बस यार जो वर्बली हो जाए तो हो जाए। तो भाई नेक्स्ट कमेंट है यामिनी सिंह, कहती है बेचारी पायल को तो वीडियो से गायब ही कर दिया, मान को तो सिर्फ कृतिका पति चोर वो ही पसंद है, इसीलिए उसका ज्यादा वीडियो लिया। तो मैं बता देता हूँ दीदी, सबसे बड़ी बात क्या है ना कि जो पायल है ट्विंस बेबी है और हमने उसको बहुत कम परेशान बहुत कम किया और इतने टेक लिए कि उसको परेशानी को बहुत जल्दी थक रही थी। और दूसरी बात क्या ना कि आप जैसी दीदियां ही होती हैं किसी घर में झगड़ा करवाने के लिए, तो चलो मेरे घर की दीवारें बहुत पक्की हैं, आपके कमेंट से कुछ भी नहीं होने वाला, ठीक है? तो ये सलाह वहां दिया करो जहां झगड़ा ना हो या झगड़ा हो, है ना भैया? बिल्कुल सही। क्या बोलना चाहते हो? मैं यही कहना चाहूंगा कि यहां पे तो दीवारें मजबूत हैं। हाँ। एक कमेंट कहीं और ट्राई करना पड़ेगा प्लीज। तो अगला कमेंट है मीनू। हाँ। नेपाल से। हाँ। वाओ सो ब्यूटीफुल सॉन्ग, ऑसम वीडियो, लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम नेपाल। क्या बात है, वाह, ये पॉजिटिव लव, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्या बात है। मैं तो कह रहा हूँ क्या बात है, नेपाल से इतना प्यार, क्या बात है, लव यू। नेक्स्ट कमेंट इज ब्यूटीफुल सॉन्ग लिरिक्स एक्सेट्रा एंड एवरीथिंग वाज सो नाइस, इट फील्स लाइक अ बॉलीवुड सॉन्ग, यू रियली हैव डन अ ग्रेट जॉब अरमान फैमिली एंड टीम, रियली अप्रिशिएट योर एफर्ट्स, ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच। ये पॉजिटिव होते हैं, इससे पॉजिटिविटी मिलती है। कुछ लोग बोलते हैं कृतिका के टेक काट दिया, फलाने के टेक काट दिया, अरे दिख तो रही है ना मेरी माँ, इतने सारे लोग भी तो हैं, वो आर्टिस्ट भी तो है जिसने गाया है जिसने लिखा है। छोटी सोच है तुम्हारी, बड़ी सोच रखो। एक सफी सुल्ताना का कमेंट है, पायल इज गेटिंग सो टायर्ड बिकॉज शी हैज ट्विंस, शी नीड मोर एक्स्ट्रा केयर, शी शुड रेस्ट। यस 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 यस, इसलिए मैं ना उस दिन उससे एक भी काम नहीं करा, बस मेरी ये था मेमोरीज हो जाए बस, की पूरी जिंदगी ना हमें पता होगी यार हमने उस दिन गाना शूट किया था जब बच्चे बड़े हो जाए। तो वही था कि इससे बहुत ही कम हम काम करवाएं, बस यहाँ से उठा के यहाँ रख दे, बस यही था। अगले नॉमिनीज हैं। नेक्स्ट वन इज फ्रॉम गौतम शर्मा, बेस्ट बेस्ट द बेस्ट सॉन्ग, इंडियाज फर्स्ट सुपर डुपर बेबी शावर सॉन्ग, व्हाट अ वॉइस ऑफ सिंगर, व्हाट अ लिरिक्स, God bless you all, master of perfection, AM. Very love, good. Love, love, love. Yeah. Thank you so much. Shalini, nice lyrics, soothing voice. वो तरीके से बोलना ही पड़ेगा ना, नाइस लिरिक्स, भाई ने सच में बहुत अच्छा लिखा है, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा लिखा है। ए बंदा है, ए बंदा है जिन्हें लिखा है, ए बंदा जिसने गाया है, ये बंदा है जिसने मैनेजमेंट संभाली पूरी, और एक और ये बंदा है जिसने लिखवाया और जिसने म्यूजिक ये जिनके हाथ में कैमरा ना, ये है मेन जो गाने को आज पूरे इंडिया लेवल पे लेके गए। थैंक यू सो मच, लव एंड सपोर्ट। पर एक चीज है भाई, अभी तक ऐसा गाना किसी ने, मैंने पूरा YouTube छान लिया, हाँ। बेबी शावर के ऊपर कोई गाना मिला नहीं है, मतलब देखो कुदरत है, कुदरत ने आपको विजन दिया, आपने चीजें लिखवाई है ना, और मुझे लगता नहीं है किसी को जरूरत पड़ेगी, ये सबको गिफ्ट ही दे दिया है, जिन भी जिनके भी बेबी होने वाले हैं उनको गाना चाहिए था ना, आपने उनको एक गिफ्ट दिया एक तरह से। बस यही चाहिए जितिन भाई, बहुत ही बड़ा सरप्राइज दे देता हूँ, बहुत ही जल्दी चीकू एक गाने पे एक्ट करने वाला है, और गाने वाले हमारे वीन भाई, वीन भाई कब गाने वाले, वीन भाई बहुत जल्दी गाना आएगा जी, दो दिन में गा दे, दो दिन में ही बना देंगे जी गाना, मतलब हम इसको बहुत ही जल्दी देने वाले, मजा आने वाला। चीको एक्टिंग कर लेगा पक्का, मूवी में एक्टिंग करने वाला। हाँ मूवी में, एक गाना सुना दे बच्चे अच्छे से, जिनका शौकीन का और बेटा और
चपटे नया बने से कहता भाई बड़ा सारा है जवाई बड़ा सा चमचे नया बने से कहता भाई बड़ा सारा है जवाई बड़ा सा क्या बात है जी ओके नेक्स्ट कमेंट मनीषा शर्मा 25 वेरी नाइस सॉन्ग हैट्स ऑफ टू अरमान एंड टीम थिंकिंग ऑफ सच अ ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट एंड मेकिंग अ सॉन्ग ड्यूरिंग बेबी शावर गॉड ब्लेस द होल फैमिली लव यू चीकू न्यू बेबीज हु आर ऑन द वे एंड हैव अ सेफ डिलीवरी गर्ल्स लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम दुबई क्या बात है बहुत बढ़िया तो गाइस मेरे लिए सबसे बड़ी स्ट्रेंथ आप ही लोग हैं और मुझे भी इंतजार है बच्चे फटाफट आए और मुझे लगता है मुझसे ज्यादा इंतजार आप लोगों के हैं और 4-7 हो जाएंगे और टीम हमारी 40-43 होने वाली है टीम बढ़ने वाली है तो आज का ब्लॉग हम यही समाप्त करते हैं चाय के साथ तो राम राम नमस्ते बाय बाय अल्लाह हाफिज ध्यान रखिए जादू जान चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो ये कमेंट हैं जिस गाने के लिए पढ़े जा रहे हैं वो गाना लास्ट में स्क्रीन लग जाएगी या फिर नंबर 1 रिकॉर्ड पे आप चेक कर लेना नए मेहमान जल्दी से जाओ चेक कर लो बाय बाय टेक केयर मेरे घर ले मेहमान आ रहे